Children, today we will write backward counting from 50 to 0. आप लोग backward counting पहले भी सीख चुके हैं, आज हम लोग 50 to 0 backward counting लिखेंगे. आपको मैम सिखा चुकी हैं backward counting में, आपको two rules से लिखना सिखा चुकी हैं मैम, तो आज फिर उसी को हम revise करेंगे. बैकवर्ड काउंटिंग, एक्चुअली बैकवर्ड काउंटिंग में हम लोग बिफोर नंबर्स ही लिखते हैं. बैक होते हैं, जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो हम बिफोर नंबर्स ही लिखते चले जाते हैं. तो बिफोर नंबर की वीडियो में मैम ने आपको सिखाया था, अगर कोई नंबर जीरो से एंड होता है तो बिफोर काउंटिंग लिखने के लिए उसकी दोनों डिजिट चेंज होती हैं, सिखाया था ना. बस पहले आप इस बात को ध्यान रखिए और आप पहले बिफोर नंबर लिखिए. ज़ीरो, ये 50 जीरो से एंड हो रहा है तो इसके दोनों नंबर चेंज होंगे, तो जीरो का क्या बन जाता है 9, एंड 5 बिफोर क्या होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ऐसे ही 40 बिफोर, सबसे पहले आप इस लाइन को चेंज करेंगे. 40 बिफोर जीरो का क्या बन जाता है, कोई नंबर जीरो से एंड होता है और उसका बिफोर नंबर लिखना हो या बैकवर्ड नंबर लिखना हो तो 9 बन जाता है. एंड 4 बिफोर क्या होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 बन जाता है. ऐसे ही 30 बिफोर जीरो का क्या बन जाता है 9. ये देखिए आप सीख चुके हैं बिफोर एंड आफ्टर नंबर में, कोई नंबर जीरो से एंड होता है तो उसके दोनों नंबर चेंज होते हैं, 0, 9 बन जाता है और जो फर्स्ट डिजिट है वो उसका आपको बिफोर नंबर लिखना होता है. तो 3 बिफोर क्या होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. नाउ 20 बिफोर, 20 बिफोर 0 का तो 9 बन जाएगा, एंड 2 बिफोर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब 10 बिफोर आपको आता ही है 9 होता है. बस पहले आपने इस लाइन को चेंज कर देना है, उसके बाद तो बहुत सिंपल है. आपको ये जीरो वाली लाइन के बैकवर्ड नंबर लिखने हैं, बिफोर नंबर्स, और फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखना है. तो आप लोगों को ये सॉन्ग तो लर्न ही होगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 चला गया ऊपर. सेम आपको इस लाइन में भी करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऊपर चला जाएगा. फिर से इस लाइन का भी कीजिए आप लोग सेम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 चला गया ऊपर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जाएगा ऊपर. फिर से सॉन्ग कीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आप ये 0 यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि आपको 50 टू 0 लिखना है. अब बिल्कुल सिंपल है ये, अब कोई नंबर चेंज नहीं होगा, ये 4 सबके आगे लिखा जाएगा, ठीक है. 49 बिफोर 48, 48 बिफोर 47, 47 बिफोर 46, 46 बिफोर 45, 45 बिफोर 44, 44 बिफोर 43, 43 बिफोर 42, 42 बिफोर 41. नाउ इसमें भी सेम रहेगा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखिए, 39 बिफोर 38, 38 बिफोर 37, 37 बिफोर 36, 36 बिफोर 35, 35 बिफोर 34, 34 बिफोर 33, 33 बिफोर 32, 32 बिफोर 31. नाउ दिस लाइन 2 एज इट इज हम लिखते चले जाएंगे, 29 बिफोर 28, 28 बिफोर 27, 27 बिफोर 26, 26 बिफोर 25, 25 बिफोर 24, 24 बिफोर 23, 23 बिफोर 22, 22 बिफोर 21. नाउ दिस लाइन 20 बिफोर 19, सिर्फ दिक्कत होती है तो जीरो वाली डिजिट्स को चेंज करने में होती है. तो आपको रूल ऑफ जीरो याद है तो आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद तो सिंपल है.
ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखनी है. 19 बिफोर 18, 18 बिफोर 17, 17 बिफोर 16, 16 बिफोर 15, 15 बिफोर 14, 14 बिफोर 13, 13 बिफोर 12, 12 बिफोर 11. और ये तो सिंपल है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो अब आपका हो गया बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 0. अब आप अपने नोटबुक में पहले डेट लिखेंगे, फिर आप लोग नीचे आइए, 1, 2, 3 बॉक्स लीव कीजिए, हेडिंग लिखिए बैकवर्ड काउंटिंग, हेयर यू राइट होमवर्क, एंड इस वाले डॉट से 3 बॉक्स डाउन जाना है आपको और नंबर सेट करने हैं. 50, लीव वन बॉक्स 40, लीव वन बॉक्स 30, लीव वन बॉक्स 20, लीव वन बॉक्स 10, देन स्टार्ट राइटिंग. ओके, डू योर वर्क नीटली. बाय बाय.